उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। हमीरपुर के अलावा 12 और सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा सियासी दलों ने कसरत भी शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रहे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी अलीगढ़ और फिरोजाबाद का दौरा करेंगे। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लिहाजा सीएम योगी यहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा इगलास में ही सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे, योजनाओं की सौगातें देंगे। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी फिरोजाबाद के टूंडला जाएंगे, टूंडला सीट पर भी सीएम उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। टिकट के दावेदारों की नब्ज भी सीएम योगी टटोल सकते हैं। टूंडला विधानसभा में सीएम योगी करोड़ों की विकास योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। उपचुनाव के लिहाज से सीएम के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है, लिहाजा संगठन स्तर पर भी उसी हिसाब से तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की हलचल तेज है और बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है। आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अलीगढ़ की इगलास सीट पर उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब कवायदें शुरू हो गई हैं और स्वयं योगी आदित्यनाथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता परमेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमेंद्र, तैयारियां पूरी हैं सीएम योगी के दौरे को लेकर, क्या कुछ खास होगा आज? निश्चित तौर पर विवेक, मैं बता दूं कि जिस तरह से उपचुनाव जो मद्देनजर अब जो रखा जा रहा है और जिस तरह से सीएम योगी पूरी प्रदेश की जो उपचुनाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां जो दौरा कर रहे थे, उसी में ही आज जो दूसरी कड़ी है उसमें फिरोजाबाद का उनका दौरा है। और इस फिरोजाबाद दौरे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि करीब 1 अरब से ज्यादा के ख्याल से जो कार्य योजनाएं जो है उनका शिलान्यास भी करेंगे और जनता को समर्पित भी करेंगे, कई लाखों की करोड़ों की जो योजना है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं निशाना निश्चित तौर पर उपचुनाव जो टूंडला की जो सीट खाली हुई है, ऐसी सिंह बघेल जो सांसद बनके यहाँ से गए हैं मंत्री जी थे और उनका जो सीट खाली हुई उसके बाद से जो उपचुनाव की तैयारियां हैं, तो निश्चित तौर से मद्देनजर यही है कि उपचुनाव की तैयारियां क्या और कार्यकर्ताओं को किस तरह से एकत्रित किया जाए और एक ताकत इस उपचुनाव में विजय हासिल की जाए। बिल्कुल, उपचुनाव को लेकर तैयारियां। परमेंद्र, कितने बजे सीएम यहाँ पहुंच रहे हैं और कितनी देर का ये दौरा होगा? जो ऑफिशियल उनका जो कार्यक्रम आया है उसमें 3:30 पे यहाँ उनको पहुंचना है और 3:30 वो मंच पर पहुंचेंगे। उसके बाद कार्य योजनाओं को जो है उनका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद फिर करीब 4:00 आधे घंटे की सभा के बाद फिर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, जो उपचुनाव के मद्देनजर उनकी कार्य समिति है उसकी बैठक लेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रवीण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे रुख करते राजधानी लखनऊ की तरफ। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। विशाल, उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और स्वयं योगी आदित्यनाथ प्रचार कमान संभाले हुए हैं और जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के दौरे शुरू हो गए हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं उसमें बसपा और भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बसपा ने अपने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, भाजपा भी लगातार रैलियां कर रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार वो जो जिलों के दौरे कर रहे हैं और उस वक्त ये जरूर बता रहे हैं कि विकास की कौन कौन सी योजनाएं जनता तक पहुंची हैं, साथ ही साथ नई योजनाओं को भी जो है शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके उन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ पर सीटें खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव में, जब तमाम जो सांसद जो बन गए हैं विधायक जीत कर, तो वहाँ पर चुनौती भाजपा ज़्यादा मानती है जहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट नहीं थे। मतलब जैसे अंबेडकर नगर की हम बात करते हैं, घोसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी थी 2017 में। ऐसे में इनके लिए बड़ी चुनौती है कि उपचुनाव में जो नतीजे हैं वो इनके फेवर में आए और यही वजह है कि भाजपा लगातार मंथन कर रही है तमाम जगहों पर। स्वतंत्र देव सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, सुनील बंसल लगातार बैठक कर रहे हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, जाके मुलाकात कर रहे हैं तमाम नेताओं से। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको टास्क दे दिया गया है अलग अलग जगहों पर जाकर
वो बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जनता तक कैसे पहुंचा जाए इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। और चूंकि अभी उपचुनाव के नतीजे जो हैं जब आएंगे तो तब ये मालूम उतर पाएगा कि 2022 का असली विपक्ष का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि अक्टूबर तक उपचुनाव की जो तिथि है वो घोषित हो जाएगी और भाजपा के पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। और शायद यही वजह है कि भाजपा लगातार अभी से अपने आप को सक्रिय भूमिका में डाले हुए है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है और सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं वो उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह यूपी भाजपा की विशाल तैयारियां हैं, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा हुआ है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए। लेकिन सवाल ये भी है कि उपचुनाव का अनुभव बीजेपी का उतना अच्छा रहता नहीं है जितना फाइनल रिजल्ट मिलता है जब चुनावों में, तो लिहाजा इस बार बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना चाहती नहीं है और उपचुनाव के जो परिणाम होंगे वो आगामी विधानसभा चुनाव भले ही अभी समय है 2022 में होने, लेकिन उसको लेकर भी स्थिति साफ होगी, इसलिए बीजेपी इतनी ज़्यादा तैयारी कर रही है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने बताया ना कि 2022 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, वो चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तब भी हो जाएगा जब ये उपचुनाव के नतीजे ये घोषित करेंगे कि मुख्य जो विपक्षी दल है वो कौन होगा, कौन भाजपा को चुनौती देगा। क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर बहुत कोई सामने ऐसा कोई मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहा है। बसपा अपने आप को लगातार जो है स्थापित करने में जुटी हुई है, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जो है उसने अपनाया है, समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, कांग्रेस में भी मंथन ही चल रहा है कि नई टीम कैसी होगी। प्रियंका गांधी ने भले ही लोकसभा चुनाव में जो है कमान संभाली थी लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई पड़ा, तो ऐसे में क्या उपचुनाव में कांग्रेस अपने आप को जिंदा बचाए रखेगी उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी। यानी कि विपक्ष की भी चुनौतियाँ होंगी और सत्ता पक्ष की भी ये परीक्षा होगी कि उपचुनाव के परिणाम क्या कुछ सामने आते हैं। शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने।